मैं विश्वजीत और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है ऑप्टिमम फिश फूड के ऊपर। जो ऑप्टिमम फिश फूड है आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। ये जो फिश फूड आप देख रहे हैं, देखिए ऑप्टिमम फिश फूड, बहुत ही इसका जो क्वालिटी है, मैं अपने जो फिश है, मैं अपना फिश को खिलाता हूँ, इसका जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। दूसरा बहुत सारा ऐसा फिश है जो इसी मतलब सेम प्राइस में आपको मिल जाएगा, सेम प्राइस में, लेकिन क्या है, देखिए वो सब जो फूड होता है उसमें बहुत सारा फूड है कि उसमें कलर छोड़ता है, बहुत सारा फूड है जो पानी के अंदर चला जाता है, वो फिर मछली खा नहीं पाता है, तो सड़ जाता है। तो इसके लिए बहुत सारा कीड़े मकोड़ा, वर्म जिसको कहते हैं, ऐसा बहुत सारा पैदा हो जाता है। तो बाद में अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है, पानी का लेवल जो ख़राब हो जाता है, फिर मेंटेनेंस करना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगा, देखिए कोई ऐसा में मेरा उद्देश्य नहीं कि ये ज़्यादा भी, ऐसा कोई उद्देश्य में नहीं है, मैं अपना फिश को खिलाता हूँ, तो बस इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये तो हम लोग का फैमिली की तरह है, तो हम लोग आप कभी नहीं चाहेंगे कि एक भी फिश का कुछ भी हो, ठीक है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आपका जैसे गोल्ड फिश हुआ, गोल्ड फिश ग्रुप है, कोई का ग्रुप है, कॉर्प का कोई भी ग्रुप है, या आपका टेट्रा जो है, और गप्पी, ये सब जो फिश है, ये सब फिश के लिए ऑप्टिमम एकदम ठीक है, ऑप्टिमम है। आपका ऑप्टिमम 4-in-1 जो है, 4-in-1 या 3-in-1 जो फिश है, वो मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि मेरे पास दूसरा खाना है मेरे पास, तो उसका भी मैं आपको बोलूँगा, उसका भी वीडियो इसके बाद ही आएगा। तो 3-in-1 जो है वो अभी मैं यूज़ नहीं करता हूँ, तो जो भी हो, तो आपको मैं स्पेशल रिकमेंड करूँगा कि आप एक ही लाइए, ठीक है, क्योंकि इससे फिश बहुत ही अच्छा रहता है, इससे दाम भी ज़्यादा नहीं है। आप अगर ये आपका 200 ग्राम का पैकेट है, अगर आप 100 ग्राम का पैकेट आपको लाएगा तो वही 30 या 40 रुपया में, 30 या 40 रुपया में आपको मिल जाएगा, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। उसी दाम में आपको और भी खाना मिलेगा, लेकिन मैं आपको बोलूँगा आप प्लीज़ वो खाना मत खिलाइए, ठीक है। स्पेशली गोल्ड फिश कोई जो मैंने कहा उसको आप ऑप्टिमम दाना ही खिलाइए, ठीक है फ्रेंड। और कैसे खिलाना है, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारा बिगिनर जो है फर्स्ट शुरू कर रहा है, तो उसको पता नहीं होता है कि कितना फिश को खाना देना चाहिए। फिश का जो मतलब सेहत होता है वो ठीक रहता है, एक मतलब खाने के ऊपर ही, हम लोग किससे ठीक रहता है, हम लोग मछली खाते हैं, फिश खाते हैं, अंडा खाते हैं, किस लिए, अपने सेहत को ठीक रखने के लिए। तो उसका भी देखिए पूरा सेहत ठीक रहता है, कोई बीमारी नहीं होता है, कुछ भी देखिए मेरा एकदम ठीक है। तो आपको भी ठीक रखना हो तो सबसे फर्स्ट आपको खाना का जो क्वांटिटी है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इसको अभी खाना दे रहा हूँ, तो इसको मैं इसका टाइम पे दे रहा हूँ। टाइम पे देने से क्या होता है, इसको खाने का बहुत आग्रह रहता है कि नहीं अभी मेरा खाने का टाइम है, तो इसको जो खाना हजम अच्छे से होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि टाइम पे इसको खाना देना है, ठीक है। देखिए कितना खाना देना है, देखिए मैं आपको टोटल दिखा रहा हूँ, देखिए ये ऑप्टिमम है, देखिए ऑप्टिमम है, देखिए कितना लेना है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट, सॉरी एक हाथ खड़ा डाउन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए इतना खाना देना है, देखिए ये देखिए अच्छे से देख लीजिए फ्रेंड, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं देना है, इससे कम भी नहीं देना है, अच्छे से देखिए फ्रेंड, देख पा रहा है फ्रेंड, अच्छे से देखिए, ये देखिए पता नहीं आपको ठीक से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। मेरा टोटल 5 फीस है टोटल, ठीक है, टोटल मेरा 5 फीस है मेरा, वो इतना खाना देना है, ओके। देखिए फिश को खा लेता हूँ, देखिए देखिए थोड़ा डर रहा है, थोड़ा देखिए फ्रेंड कितना अच्छे से खा रहा है, देखिए
जितना इसको खाना दिया हूँ मैंने, ये टोटल है 3 से 4 मिनट के अंदर टोटल खत्म कर देगा। तो फ्रेंड आप सभी समझ गए होंगे कि कितना इसको फूड देना है, कि इसको क्वांटिटी में देना है। तो देखिए मैं जितना दिखाया उतना ही दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, उसका पेट फूल जाएगा और उसका डेथ हो सकता है, ठीक है, और बहुत सारा बीमारी हो सकता है। और कम भी नहीं देना, क्योंकि कम भी देने से मेरा एक फिश बहुत दिन पहले, एक फिश, एक गोल्ड फिश ही है मेरा, बहुत अच्छा था, क्या बोलूँ, बहुत ख़राब लगता है, अब क्या बोलूँ आपको, जो भी है, तो वो कम खाना देने के लिए मर गया था। देखिए आप शॉप में जाएंगे आप तो बोलेगा कि दो चार पांच दाना दे, ऐसा नहीं देना चाहिए, ऐसा दो चार, आप समझिए ये जो फिश है दो चार से क्या होता है, उसका साइज के हिसाब से दीजिए, क्या साइज है मेरा, देखिए मेरा जो फिश है इसका साइज है कितना, 4 इंच से 5 इंच, जितना भी फिश है 4 इंच से 5 इंच, जो एंजल है उसका भी 4 इंच से 5 इंच, सबका मेरा साइज है, तो मैं उतना क्वांटिटी में उसको फूड देता हूँ। और देखिए पूरा ठीक ठाक है, खुश है अंदर से, कोई उसको दिक्कत नहीं है, तो आप उसी क्वांटिटी में उसको दीजिए, मेरा गारंटी है कि आपका फिश एकदम सही सलामत रहेगा। ओके तो चलिए धन्यवाद, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब।